हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएसटीएस पेपर 206 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड इमेज द फॉलोइंग। एक तरफ टाइप ऑफ क्लाइमेट और एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके। पहले चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसका कैरेक्टर है कि इसमें गर्मियों में ज़्यादा बारिश होती है। सेकंड है मेडिटेरेनियन, इसका है कि जो इनकी गर्मियों का मौसम होती हैं वो काफ़ी गर्म और सूखा होता है, यानी मॉइस्चर कम होता है। थर्ड है ब्रिटिश टाइप, इसका एक कंसेंट्रेशन ऑफ रेनफॉल इन दी विंटर, यानी इसमें सबसे ज़्यादा बारिश विंटर्स में होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर A1 and 2 यानी कि सिर्फ पहला और दूसरा सही है। थर्ड गलत है, जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होती है वो परमानेंट इन्फ्लुएंस होती है वेस्टर्ली से, यानी कि वेस्टर्लीज विंड होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और ओशियंस, एंड इसी वजह से जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है उसमें रेनफॉल पूरे साल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो चलिए बढ़ते हैं साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो सभापति होते हैं हमारे सदन के उसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है ही इज द गार्जियन ऑफ द पावर्स एंड प्रिवलेजेस ऑफ द मेंबर एंड द हाउस ऑफ लोकसभा। तो ये गार्जियन होते हैं, जो भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको किसी भी तरीके का अगर पावर या प्रिवलेजेस दिए जाती हैं तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी सभापति की होती है और लोकसभा की जो भी कार्यवाही होती है वो भी इनकी जिम्मेदारी होती है। सेकंड है इज प्लेस्ड हायर देन ऑल द मेंबर ऑफ द कैबिनेट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें ना कि सबसे अगर रैंक वाइज बेसिकली बात करें कि रैंक किसकी सबसे पहले और किसकी बाद में आएगी, तो जो स्पीकर की हमारी जो ऑर्डर होती है यानी कि रैंक होती है वो दूसरे जो कैबिनेट के मेंबर है उनसे आगे होती है। थर्ड है ही कैन नॉट वोट व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द लोकसभा, यानी उनको हटाने के लिए अगर किसी भी तरीके का रिजोल्यूशन आता है तो उसमें ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि पहला सही है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इज प्लेस्ड एट द 7th रैंक अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही हैज अ हायर रैंक देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर और द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का मतलब है कि अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें या रैंकिंग की बात करें तो इनका जो रैंक है वो 7वें स्थान पर आते हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जो हमारे जो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके साथ आती है। लेकिन इनकी जो रैंक होती है सारे कैबिनेट मेंबर्स हाइस्ट होती है, लेकिन दो लोगों से हाइस्ट नहीं होती, जैसे प्रधानमंत्री और जो उप प्रधानमंत्री होते हैं तो इन दोनों से ऊपर नहीं बल्कि इनके बाद ही इनकी रैंक आती है। नेक्स्ट है द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ द लोकसभा व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर द कंसिडरेशन। However, he can vote in the first instance when a resolution for his removal is under the consideration. यानी अगर इनके इनको हटाने के लिए अगर किसी तरीके की रिजोल्यूशन आती है तो उनमें उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इनिशियली जो पेश होता है रिजोल्यूशन तो उस समय इनको वोट करने का अधिकार होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डज अ प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो किन केसेज में जो राष्ट्रपति हमारे हैं तो उनको प्रधानमंत्री एडवाइज कर सकते हैं। पहला है प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए अनिश्चितकाल के लिए। सेकंड है डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा को डिजोल्व करने के लिए। और थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के टाइम पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है D1, 2 and 3 यानी कि तीनों में ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टेटमेंट है ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड हिस्टोरियन ऑफ द मुगल पीरियड।
ही सेट अ स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग एंड इट वॉज फॉलोड बाई मैनी जनरेशन्स. मैनी हिस्टोरिकल वर्क्स वर रिटन बाई हिम इंक्लूडिंग आईने अकबरी एंड अकबर नामा. तो एक स्टेटमेंट दे रखा है आपको बताने किसके बारे में. स्टेटमेंट कह रहा है कि बहुत ही प्रख्यात स्कॉलर थे, लेखक थे कह सकते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है मुगल पीरियड के टाइम में. इन्हीं के स्टाइल ऑफ राइटिंग को कई लोगों ने फॉलो किया है. और इनकी जो दो मुख्य किताबें हैं लिखने की बात कर लिखावटें हैं, तो उसमें एक आईने अकबरी आता है और दूसरा अकबरनामा. तो आपको बताना किसकी व्याख्या ये स्टेटमेंट कर रहा है. तो इसका सही आंसर है ए अबुल फजल, ये अबुल फजल की बात कर रहा है. तो चलिए बढ़ते हैं सिख साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हाई पावर्ड मनी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है. पहला है इट रिप्रेजेंट द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द RBI, यानी ये RBI की जो पूरी लाइबिलिटी है उसको दर्शाता है. सेकेंड है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज द इन द इकॉनमी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हाई पावर्ड मनी, यानी हमारे इकॉनमी में हमारी जो नॉर्मल सोसाइटी है उसमें जितना मनी फ्लो होता है उसका इक्वली वॉल्यूम हाई पावर्ड मनी का भी होता है. तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि पहला सही है. जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्टॉक इन द इकॉनमी इज मच ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ हाई पावर्ड मनी. कमर्शियल बैंक्स क्रिएट दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग आउट अ पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ लोन और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. तो कहने का मतलब है कि जो मनी टोटल हमारी इकॉनमी में है उससे वो काफ़ी ज़्यादा है हाई पावर्ड मनी के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स है वो मार्केट में एक्स्ट्रा मनी क्रिएट करने के लिए डिपॉजिट जो उनका डिपॉजिट का पार्ट होता है उसको लोन के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोगों को दे देती हैं, इसलिए इकॉनमी मनी हाई पावर्ड मनी के कंटेक्स्ट में ज़्यादा होता है. तो चलिए बढ़ते हैं सिक्स साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. विद रेफरेंस टू द साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क दैट इज SAVN, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट सपोर्ट बॉडी ऑफ द साउथ एशियन कंट्री, यानी कि एक अंतर्राज्य जो गवर्नमेंट्स के वाइल्ड लाइफ वो होती हैं बचाने के लिए कानून होती हैं वो एक इस तरह से काम करता है और ये साउथ एशियन का एक हिस्सा है. सेकेंड है इट वर्क्स अंडर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी ये SAARC के अंडर में काम करता है. थर्ड है इंडिया इज़ मेंबर ऑफ द SAVN, यानी इंडिया इस साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क का एक हिस्सा है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो उसका सही आंसर है B1 and 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है. तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर फ्रीक्वेंट डेब्रिज एवलांचेज एंड लैंडस्लाइड्स इन द हिमालय. तो आपको बताना है किन कारणों की वजह से हिमालयज में यानी पहाड़ों में लैंडस्लाइड या एवलांचेज एंड जो बर्फ जो जमी होती है वो अचानक से गिरने लग जाती है तो उसको एवलांच बोलते हैं. तो ये दोनों क्यों होती हैं आपको बताना क्या रीज़न है. पहला है दे आर टेक्टोनिकली एक्टिव, यानी कि जो उनके लावाज होते हैं वो एक्टिव होते हैं. सेकेंड है दे आर मेड अप ऑफ मोस्टली सेडिमेंट्री एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक, यानी जो एवलांचेज या जो लैंडस्लाइड होती हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक से चूंकि बनी होती हैं तो ये अनकंसोलिडेटेड होने की वजह से ऐसा होता है. थर्ड है द स्लोप आर वेरी स्टीपी, और चूंकि हिमालय का जो स्लोप है काफ़ी स्टीपी काफ़ी कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है तो इस वजह से ऐसा होता है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो उसका सही आंसर है A1 and 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है. तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन अ पर्सन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो किन कंडीशन में कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाई हो सकता है अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड है. तो पहला है होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी या अगर उसने
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के अलावा किसी तरीके का ऑफिस का पोजीशन होल्ड कर रखा हो तब। सेकंड है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी जो इंसॉल्वेंट का कभी केस हुआ हो और उसमें अनडिस्चार्ज हुआ हो, यानी कि उसको अभी उसमें रिलीफ नहीं मिली हो। थर्ड है डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल या 10th शेड्यूल के अंदर में किसी भी लॉ को अगर वो तोड़ता है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द ग्रेडेड सर्विलांस मेजर समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ग्रेडेड सर्विलांस मेजर जो कि काफ़ी आजकल खबरों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द RBI, यानी इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अलर्ट एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर ट्रेडिंग इन एनी सिक्योरिटी शोइंग एबनॉर्मल प्राइसेज मूवमेंट्स, यानी इनका उद्देश्य ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं ट्रेड करते हैं उनकी सिक्योरिटी बनाए रखना ताकि किसी तरीके का प्राइस मूवमेंट होता है तो उस टाइम में इनकी सिक्योरिटी को बनाए रखने का काम इसका एक मेन उद्देश्य है। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रेडेड सर्विलांस मेजर के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। चूंकि इन्वेस्टर ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करता है तो ये RBI नहीं बल्कि SEBI होगा, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द रैट होल माइनिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रैट होल माइनिंग के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ अ टाइप ऑफ माइनिंग वेयर अ लॉन्ग नैरो टनल आर डग फॉर द मिनरल एक्सट्रैक्शन, यानी उस तरह की माइनिंग है जिसमें लंबे और काफ़ी छोटे तरीके के टनल बनाए जाती हैं ताकि मिनरल को निकाला जा सके। सेकेंड है, इट इज़ अ मेनली सीन इन द मेघालय रीजन, एंड इसको ज़्यादातर मेघालय के हिस्सों में देखा जाता है। थर्ड, NGT हैज बैंड द रैट होल माइनिंग ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस तरह की रैट होल माइनिंग को बैन कर रखा है क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B 1, 2 और 3 ओनली, यानी कि तीनों ही सही है। जो रेड होल माइनिंग होती है ज़्यादातर मेघालय में ही होती है क्योंकि इस तरह का वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन है, काफ़ी जो पहाड़ है ऊँचे हैं तो इस वजह से वहाँ रेड होल माइनिंग होती है। लास्ट ईयर काफ़ी मजदूर इसमें मर गए थे। चूँकि रेड होल की तरह माइनिंग होती है यानी कि टनल बना के की जाती है तो कई बार अर्थक्वेक की वजह से या एक्सेस रेनफॉल की वजह से ये भर जाते हैं और फिर उसमें मजदूर फंस के मर जाते हैं, तो इसलिए इसको NGT ने बैन कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GST पेपर 205 जो था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रीबायोटिक्स। तो कौन सा सबसे अच्छा प्रीबायोटिक्स को डिफाइन करता है आपको बताना है। तो बताना था तो उसका सही आंसर है सी, फूड इंग्रेडिएंट्स दैट इंकरेज द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, यानी उस तरह के खाद्य पदार्थ जो कि हमारे शरीर के अंदर गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो चलिए शिक्षक, जानने से पहले आज का NGST पेपर 206 का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा आज का, विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंड ड्यूरिंग द वरन हेस्टिंग टेन्योर। तो वरन हेस्टिंग के टेन्योर में यानी कि शासनकाल में कौन सा चीज़ हुआ था आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, बी, एबोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, और थर्ड है हमारा द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।